ने किया सपा के प्रत्याशियों का समर्थन। मायावती ने कहा गिव एंड टेक के आधार पर रहेगा गोरखपुर और फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के साथ बीएसपी का आशीर्वाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि विरोधियों को करारा जवाब देगी बीजेपी। कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह ने कहा जनहित के मामलों में विफल रही है भाजपा। कांग्रेस प्रत्याशी सुरहिता करीम के समर्थन में आए थे गोरखपुर। प्रतापगढ़ के सांसद हरिवंश सिंह ने की प्रेस वार्ता, गिनाई देश और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। प्रदेश के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ने कहा दोनों सीटें जीत रही है भाजपा, सिर्फ औपचारिकता रह गई है बाकी। लोकसभा उपचुनाव के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में 4 स्थानों पर बनाए जाएंगे स्ट्रांग रूम, यहीं से होगी पोलिंग पार्टियां भी रवाना। शाहपुर थाना क्षेत्र में बंद मकान में चोरों ने नकदी आभूषण सहित अन्य सामानों पर भी किया हाथ साफ। सेंट जोसेफ महिला महाविद्यालय में आयोजित पुरातन छात्राओं के सम्मेलन में मनमोहक नृत्य ने बांधा समा। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सीय सम्मेलन में बीजेपी दिग्गजों ने उपचुनाव में जीत की भरी हुंकार। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारत का भौगोलिक व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन की मासिक बैठक हुई संपन्न, की समस्याओं पर चर्चा। रोहित के विस्फोटक 101 रनों की बदौलत किड्स रेड की किड्स येलो पर 8 विकेटों से धमाकेदार जीत। और बुद्धा कोचिंग की फार्मा 11 पर 27 रनों से रोमांचक जीत।